Hello everyone, today I am going to start a new series that is a statistical quality control along with the distribution. So I will continue to post questions based on distributions, and also I will post videos on a statistical quality control. So statistical quality control is also asked in graduation level, and also it is an optional section in paper 4 of ISS. So let's start with this. सो आप सभी लोग जानते होंगे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो SQC से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है. सो अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपको स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर आप ISS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक फ्रॉम गुप्ता एंड कपूर इससे आप लोग पढ़ सकते हैं. सो ये चैप्टर भी आपका बहुत ईजी है, और आपको दो सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं ISS पेपर 4 में. सो अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपका काफ़ी कुछ कवर कर लेगा पोर्शन. सो आपको पता है, देखिए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है उसको हम लोग SQC से एब्रिवेट करते हैं. एंड जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जो भी हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो जो हमारा SQC है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. और ये जो टेक्निक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये हमारी दो चीज़ों पे बेस्ड होती है. एक आपकी होती है प्रोबेबिलिटी, एंड एक आपका होता है सैम्पलिंग. अब ये दोनों चीज़ें आपको आगे जाके पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग पे ये किस तरह से बेस्ड है. और इसका जो यूज़ है, ये ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं सब में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ किया जाता है. अब अगर हम देखें, जैसे कि हमारी आर्मामेंट इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रबर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, कोई भी आपकी इंडस्ट्री हो, ये सब में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ होता है. इवन कोई इंडस्ट्री ऐसी हम इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं कि जहाँ पे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ ना होता हो. सो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो देखिए इसके जो वर्ड्स हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, सो उसका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, क्वालिटी पे. एंड क्वालिटी से हम लोग क्या समझते हैं, क्वालिटी देखिए एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एक उसकी कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट है उसकी एक ऐसी ये खूबी है, आप खूबी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि इसकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ मार्केट से लेकर आते हो, वेदर फॉर गर्ल्स इट इज़ एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और फॉर बॉयज़ इट इज़ एनी गेम और एनीथिंग एल्स. सो अगर आप लोगों के लिए वो चीज़ उस लेवल पे वर्क नहीं करेगी, तो आप लोग बोलोगे इस चीज़ में वो क्वालिटी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गर्ल्स के लिए एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने देखा होगा कि मेकअप की डिफरेंट डिफरेंट रेंज आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंपनीज हैं. अगर आप अगर बाई चांस आप बात करते हो कि एक फाउंडेशन की, ओके, सो गर्ल्स अच्छे से रिलेट कर पाएंगी. सो आपने देखा होगा कि मेबलिन है, लॉरियल है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, लैक्मे है, इन सब के जो फाउंडेशंस होते हैं उनकी रेंज एंड कलेक्शंस बहुत अच्छा होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस हम उससे क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी अच्छी है. अब वही आप किसी और कंपनी का ले लेते हैं जो इतनी फेमस नहीं है और उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है, तो आप बोलेंगे कि इसका क्वालिटी लेवल क्या है, उस स्टैंडर्ड का नहीं है. तो आप क्वालिटी समझ सकते हैं कि मैं क्वालिटी को क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. सो ऐसे ही बॉयज़ भी अपनी कोई भी डेली यूज़ की चीज़ में देख सकते हैं कि हर एक जो चीज़ है उसकी आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ मिल जाती हैं. अगर आप शेविंग ब्लेड को ही लेके देख लें, तो जो उसकी बेस्ट कंपनी होगी वो क्या होगा, उसका देखिए प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा होगा, बट उसके साथ साथ वो आपको वो क्वालिटी देंगे. बट वही अगर आपको चीपेस्ट थिंग मिल रही है, तो उसमें आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी. ओके, सो वन मोर थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चीज़ दिखने में अच्छी है, या फिर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है. ओके, क्वालिटी जो है आपकी वो डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर क्या करती है, कंटेन करती है. क्या एट्रीब्यूट्स में क्या क्या हो सकता है आपकी, देखिए फिज़िकल क्वालिटी हो सकती है किसी भी चीज़ की. अब फिज़िकल क्वालिटी में आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ हो सकती है, केमिकल क्वालिटीज़ हैं और एस्थेटिक है.
अगर कोई भी प्रोडक्ट आप एस्थेटिक में देखिए क्या क्या आता है, अगर जैसे कि आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, लाइक कोई भी शोपीस है, तो आप उसके लुक्स देखोगे कि वो किस तरह का दिख रहा है। तो एस्थेटिक में एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपकी आती है साउंड। अगर जैसे कि आपने कोई भी स्पीकर खरीदा है, तो आप उसका साउंड चेक करोगे सही है या नहीं है। अगर आपने कोई परफ्यूम खरीदा है, तो आप उसकी स्मेल चेक करोगे कि उसकी स्मेल कैसी है। एस्थेटिक में ये सारी चीजें आती हैं। एंड इनफैक्ट अगर फूड आप लेने गए हो या केक आप खरीद रहे हो बर्थडे के लिए, तो आपको पहले ट्रायल दिया जाता है कि आप टेस्ट करके देखिए केक आपको जो जिस फ्लेवर का अच्छा लगता है, फिर आप उसका ऑर्डर दे सकते हैं। टेस्ट भी आपके एट्रीब्यूट्स में आता है। अगर टेक्निकल टर्म में हम लोग देखें, तो जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को टेक्निकली बोला जाता है साइनर्जी। क्वालिटी को आप ये भी कह सकते हो कि क्वालिटी आपका एक तरह का लेवल है या फिर स्टैंडर्ड है किसी भी प्रोडक्ट का, जो कि किस पे डिपेंड करता है, 4 M's पे डिपेंड करता है। अब वो 4 M's मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या है। क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक आपकी ऐसी पावरफुल टेक्निक है, या फिर आप कह सकते हैं उसको डायग्नोसिस है, जिससे आप पता कर सकते हो कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, क्या उसमें कोई भी लैक है किसी भी तरह की। वो लैक किस चीज़ में हो सकती है आपके? वो आपके मटेरियल में हो सकती है। वो लैक लैक मतलब कमी, वो कमी आपके प्रोसेस में हो सकती है। वो आपकी मशीन में कोई भी खराबी हो सकती है, या फिर एंड प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ों का जो डायग्नोसिस होता है, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? वो हम क्वालिटी कंट्रोल की हेल्प से करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल होता है कि आपने जो भी एंड प्रोडक्ट बना है आपकी फैक्ट्री से या आपकी इंडस्ट्री से, तो उसकी जो क्वालिटी है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर होनी चाहिए। अब आपको पता है आपके कस्टमर्स की क्या नीड है, तो अगर आप उनको उस नीड के लेवल का ही प्रोडक्ट दोगे, तो वो लोग उस चीज़ से सेटिस्फाई रहेंगे, एंड आपकी जो कंपनी है उसका क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। अगर आप जस्ट सोचें, अगर आप देखें आजकल टेली कम्युनिकेशन में जियो है, जियो आपका क्या है, वो समझ लीजिए नंबर टॉप पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसकी जो सर्विसेज हैं वो एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। कुछ एरियाज में ख़राब होंगी, बट मोस्टली जो ज़्यादातर एरियाज हैं वहाँ पे क्या है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो जो कस्टमर्स हैं जियो के, वो मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ कस्टमर होना चाहिए। जो 4 M's होते हैं जिन पे जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है, वो क्या होते हैं? फर्स्ट हमारा होता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, सेकंड होता है क्वालिटी ऑफ मैन पावर, थर्ड होता है हमारा क्वालिटी ऑफ मशीन, एंड फोर्थ होता है हमारा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ मटेरियल की बात करें, तो आपको पता है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री डालते हो, तो उसके लिए आपको क्या है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो आपकी इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है, आपकी स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, वो आपकी फर्नीचर की इंडस्ट्री हो सकती है, वो आपकी किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री हो सकती है। अगर अगर आपके पास मान लीजिए कोई, आप फैब्रिक की इंडस्ट्री डालते हो, आप कोई क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर आपके पास रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, तो क्या आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। आपके लिए रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अगर आपको एक अच्छा एंड प्रोडक्ट चाहिए। ये हो गया 1st M। 2nd M था हमारा क्वालिटी ऑफ मैन पावर। अगर आपको पता है कि जो आपके पास ट्रेनर्स, जो आपके पास वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं एंड ट्रेंड हैं, वो आपकी जो फैक्ट्रीज में मशीन लगी हो उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अच्छे से उनको यूज़ कर सकते हैं, जो भी वर्क बर्डन होगा, लोड होगा, वो कम रहेगा, और वो बहुत अच्छे से मशीन्स का यूज़ करके आपको एक गुड प्रोडक्ट दे सकते हैं। और अगर आपके, मान लीजिए आपका मैन पावर अच्छा नहीं है, आपके जो भी वर्कर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, तो जो आपका प्रोसेस होगा उसमें असाइनेबल कॉजेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। असाइनेबल कॉजेस को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बट उसके लिए अलग से कॉस्ट लगानी पड़ती है। अगर आपके पास मैन पावर अच्छा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड हमारा होता है क्वालिटी ऑफ मशीन। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, तो वहाँ पे मशीनें होनी ही होनी है। अगर आपकी मशीनें सही से वर्क नहीं कर रही हो, उनकी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं है,
उनमें ब्रेक डाउन हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो इससे क्या होता है आपका डिफेक्टिव आइटम्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन पे जो कॉस्ट लगती है उन डिफेक्टिव आइटम्स को अगेन सही करने के लिए, तो वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, तो यहाँ से आपका क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है। एंड हमारा जो लास्ट है एम, वो क्या है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अगर बॉस हैं किसी भी इंडस्ट्री के, तो आप वहाँ का जो वर्क है, जो वहाँ का लेबर है, स्टाफ है, उसको आप मैनेज करके चलें। उससे क्या होगा कि आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, जो रिलेशंस होंगे आपके बीच में और आपके वर्कर्स के बीच में वो मेंटेन रहेंगे, अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वो आपसे सही से बात कर सकते हैं, खुल के प्रॉब्लम्स अपनी शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका क्या होगा, आप बिजनेस आपका ग्रो करेगा। सो ये हो जाते हैं इसके 4 M's। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बताऊंगी आपको कि चांस कॉजेस एंड असाइनेबल कॉजेस क्या होते हैं। सो उससे पहले आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी था कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, तो आगे भी मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दूंगी और क्वालिटी कंट्रोल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये आगे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।